गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है कि उन मॉलिक्यूल्स की शेप पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जिनमें क्या है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, जो लास्ट वीडियोस थे उनमें अपने वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म की थी कि उनमें क्या है कि कुछ अपने एग्जाम्पल्स लिए थे जिनमें क्या है कि बॉन्ड पेयर क्या है कि नो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ओनली प्रेजेंट था, और वहाँ पर क्या है कि नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट अपन ने टेबल ये बनाई। सेकंड में अपन ने क्या कहा कि द शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल या आयंस विद सेंट्रल एटम हैविंग वन और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें अपने Ab2e टाइप, Ab3e टाइप, ये कुछ अपने एग्जाम्पल्स लिए थे। ठीक है, आज भी अपन इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे, बट इसमें क्या है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस पर अपने डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है Ab2e टाइप। तो Ab2e टाइप में क्या होता है कि ए तो क्या है सेंट्रल एटम को डिनोटेड करेगा, बी बॉन्ड पेयर को, और ई किसको करेगा सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है कि जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, और लोन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर देखिए 4 कैसे हो रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे, और लोन पेयर क्या है यहाँ पर ओनली क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एग्जांपल लेंगे SO2 मॉलिक्यूल का। तो SO2 मॉलिक्यूल का अगर अपन एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं तो इसकी जो शेप होगी वो वी शेप फॉर्म होती है। ठीक है, बेंड शेप है, या अपने बोल दें इसको वी शेप है कि भाई SO2 जो मॉलिक्यूल है इसमें जो सल्फर एटम है इसके पास क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है यहाँ पर, और ये इनके बिटवीन जो बॉन्ड है वो क्या है 119.5 डिग्री एंगल का है, जो क्या है कि 120 डिग्री से क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, यानी कि उसके थोड़ा सा उससे वैल्यू कम हो जाती है। वो रीजन आपको बताया था कि जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है वो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसके ग्रेटर होता है, तो यहां पर क्या है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन क्या हो जाएगा कि रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो उस रीजन से क्या होगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है 119.5 फ्रॉम 120 डिग्री एंगल से। ठीक है, इसकी जो आप शेप रिप्रेजेंट करेंगे तो लोन पेयर को आप इस तरह से, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, बैंड शेप, या अपन इसको बोल सकते हैं वी शेप। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है Ab2e टाइप। ठीक है, तो इसमें Ab2 टाइप में अपने एग्जांपल लेंगे NH3 का। तो NH3 में क्या है कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड पेयर है वो तो क्या है 3 है, बॉन्ड पेयर क्या है 3 है, और लोन पेयर क्या है 1 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी कि जो नाइट्रोजन एटम है इस पर एक लोन पेयर, और ये इस पर 3 हाइड्रोजन एटम आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस कंडीशन में जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल पिरामिडल ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप कैसे, अब देखो इसमें क्या होगा कि भाई लोन पेयर को आप इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो ट्राइगोनल पिरामिडल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से हो जाएगी, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा कि 107 डिग्री का हो जाएगा, जो क्या है किससे लेस हो जाएगा, 109.5 डिग्री से। ठीक है, देखिए यहां पर आप फर्स्ट एग्जांपल के लिए, द शेप शुड हैव बीन ट्राई एंगुलर प्लेनर बट एक्चुअल इट इज फाउंड टू बी बैंड और वी शेप। ठीक है, द रीजन बींग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच मोर एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सो द एंगल इज रिड्यूज टू 119.5 डिग्री फ्रॉम 120।
ठीक है। इसी तरह से आगे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आपने बताया कि ए बी थ्री ई टाइप, यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर ये हो गई। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो इसका रीजन यहाँ पर क्या है कि भाई ये स्ट्रक्चर शेप होने या इस तरह की शेप फॉर्म होने का, एट देयर बीन ए बॉन्ड पेयर इज प्लेस ऑफ लोन पेयर द शेप वुड हैव बीन टेट्राहेड्रल बट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर द एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर इज रिड्यूज टू 107 फ्रॉम 109.5 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ए बी टू ई टू टाइप। ए बी टू ई टू टाइप में क्या है कि इसमें बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी क्या है 2 है। तो आप अब यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लेंगे, वाटर मोलिक्यूल का लेंगे। तो वाटर मोलिक्यूल की आपको पता है कि इसकी क्या है स्ट्रक्चर, इस तरह से होती है बेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन पर क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इनके क्या है कि एक तो क्या है कि यहाँ पर लोन पेयर स्ट्रक्चर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 105.5 डिग्री एंगल का हो जाता है, और जो रिड्यूस किससे होता है 109.5 से रिड्यूस हो जाएगा, फ्रॉम रिड्यूस 10.5 फ्रॉम 109.5 डिग्री, ठीक है। अब जो इसमें अगर अपन बात करते हैं कि इसकी जो शेप आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो शेप आप कैसे बताएंगे कि ये सेंट्रल एटम हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके साथ ये बॉन्डिंग पेयर जो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर फॉर्म होता है, सॉरी, ठीक है। अब इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसकी शेप की बात करेंगे, तो शेप क्या होगी, बेंट शेप हो जाएगी इस तरह की शेप यहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये किस तरह से यहाँ पर देखिए, द शेप शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल इफ देयर वर ऑल बॉन्ड पेयर बट 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट सो द शेप इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल और एंगुलर, द रीजन इज लोन पेयर रोल पेयर रिपल्सन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन दस द एंगल एंगल इज रिड्यूज टू 104.5 डिग्री फ्रॉम 109.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है ए बी फोर ई टाइप। ए बी फोर ई टाइप में मॉलिक्यूल्स हैं, तो इटमीन यहां पर क्या है कि जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं 4 है और लोन पेयर क्या है 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन यहां पर एग्जांपल लेंगे SF4 मॉलिक्यूल का। तो यहां पर जो सल्फर एटम है, जो सेंट्रल एटम है, इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी कि किसे फ्लोरीन से डिनोटेड होंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 2 टाइप से इस तरह से आप डिनोटेड करेंगे, ठीक है। या तो आप इस शेप में ये 4 फ्लोरीन एटम इस तरह से ऐड होंगे या इसके साथ बॉन्ड पेयर में, या क्या है कि आप इसका जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ डिनोटेड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप फॉर्म होती है वो शेप किस तरह की फॉर्म होगी, शीशो टाइप की फॉर्म होगी। वो कैसे होगी कि यहाँ पर आपका ये तो हो जाएगा फर्स्ट इसके लिए लोन पेयर, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर, एक इधर बॉन्ड पेयर और एक इस साइड बॉन्ड पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, कि ये तो इसके प्लेनर में आ गई बट ये क्या है इसके इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर उस पर आप यहाँ पर डिनोटेड कर देंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर अपनी ये वाली बनाते हैं, अपन फॉर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि इसकी जो शेप होगी वो सीसो टाइप की होगी, कि ये तो हो गया इसका लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर,
ठीक है। तो अब इसकी शेप इस तरह से फॉर्म हो गई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर दो पोजीशन हो रही है, टू पार्ट्स हो रहे हैं, तो फर्स्ट में और सेकंड में, यानी कि ए बी, इन ए द लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अगर क्या हो कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सल्फर एटम पर यानी सेंट्रल एटम पर, अगर वो क्या है एक्सियल पोजिशन पर है, सो देयर आर थ्री लोन पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इन नेक्स्ट आता है बी पार्ट में, यानी कि इस वाली स्ट्रक्चर के लिए द लोन पेयर इज इन एन इक्विटोरियल पोजिशन, ठीक है। अगर क्या होता है उसके इक्विटोरियल पोजिशन पर क्या है कि लोन पेयर, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट है, एंड देयर आर टू लोन पेयर रिपल्सन, हेंस अरेंजमेंट बी इज मोर स्टेबल, द शेप सी शो इन बी इज डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन, ए फोल्डेड स्क्वायर और ए सीसो, ठीक है। कि फोल्डेड स्क्वायर या टेट्रा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या अपन क्या बोलें कि सीसो टाइप की स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आता है इसका वो आता है ए बी थ्री ई टू टाइप। ए बी थ्री ई टू टाइप इट मीन क्या है कि सेंट्रल एटम पर क्या है कि टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके सराउंड में क्या है तीन अदर एटम्स हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर क्या है थ्री है और लोन पेयर क्या है टू है इस स्ट्रक्चर में, यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में। तो यहां पर जो शेप होगी वो किस तरह की फॉर्म होगी, सॉरी टी शेप फॉर्म होगी यहां पर। तो टी शेप किस टाइप से यहां पर आपने फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल अपन लेते हैं ClF3, ठीक है। तो इसमें आप किस तरह से यहां पर फॉर्म करेंगे कि जो क्लोरीन एटम है इसके पास क्या है टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट यहां पर क्या है कि थ्री बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसी तरह से यहां पर ये क्लोरीन एटम और इसकी ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये ए स्ट्रक्चर, ये बी और ये थर्ड आती है सी टाइप। तो सी में यहां पर ये क्लोरीन एटम पर ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है ये टी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो बनेगी फॉर्म होगी वो क्लोरीन और ये क्या है कि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कि इस कंडीशन में यहां पर क्या है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो उसके एक्सियल है या क्या है कि हेड्रॉन पर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात होगी। इसी तरह से इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आपने यहाँ पर डिनोटेड किए, यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम और यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम, सॉरी इसके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो किस तरह से होगी, ये लोन पेयर से यहाँ पर और यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या होती है टी शेप। अगर थर्ड वाली स्ट्रक्चर के लिए अपन इसको फॉर्म करते हैं तो ये क्या है कि इसके एक्सियल उस पर हैं दोनों लोन पेयर, बोथ लोन पेयर क्या है एक्सियल, ठीक है, और तो ये स्ट्रक्चर आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर बनती है तो वो इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इन ए स्ट्रक्चर में द लोन पेयर आर एट इक्विटोरियल पोजिशन, सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कंपेयर टू द अदर इन विच द लोन पेयर एंड आर एट द एक्सियल पोजिशन, सो द स्ट्रक्चर ए इज मोस्ट स्टेबल, और वो क्या है टी शेप। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हो रही है ये क्या है कि यहाँ पर कौन सी टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसका रीजन यहाँ पर क्या बता रहे हैं
कि जो बोन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सन है वो रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है। और अपनी ये बात ध्यान रखते हैं कि जितना रिपल्सन फोर्स क्या है कि इनके बिटवीन जितना लो होगा यानी कि मिनिमम होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप इसकी यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर फॉर्म करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पर आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।